हेलो स्टूडेंट तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फंगल क्लासिफिकेशन गिवेन बाय एलेक्सोपॉल्स जो एलेक्सो पॉल्स हैं उनके द्वारा कैसे फंगल का क्लासिफिकेशन किया गया है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में आपका आ सकता है कि गिवन अकाउंट ऑफ फंगल क्लासिफिकेशन गिवेन बाई एलेक्सोपॉल्स तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि एलेक्सोपॉल्स जो है ये आपका जो पिक दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के घेरे में एलेक्सोपॉल्स का पिक है ठीक है तो जो एलेक्सो पॉल्स उनका पूरा नाम जो था कंसेंटेंटाइन जे एलेक्सोपॉल्स, ठीक है एलेक्सोपॉल्स उन्नीस से अड़सठ प्लेस्ड ऑल फंजाई इंक्लूडिंग स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है इन ए सेपरेट डिवीजन, सेपरेट डिवीजन माइकोटा, सेपरेट डिवीजन माइकोटा एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सब डिविजन्स उसको टू सब टू सब डिविजन्स में जो है डिवाइड किया गया पहला जो है आपका माइक्सो माइकोटिना है एंड सेकेंड क्या है यू माइकोटिना है पहला क्या है तो माइक्सो माइकोटिना है एंड सेकेंड जो है यू माइकोटिना है ऑन द बेसिस और द दबसेन्स एंड परजेंस ऑफ सेल वाल रेस्पेक्टिवली अब उसमें सेल वाल जो था उसके ऑप्शेंस एंड परजेंस के देखते हुए ठीक है आ, ये आपका माइक्सो माइकोटिना और यू माइकोटीना दो सब डिवीजन में जो है इसको डिवाइड करने का जो है काम हुआ उसके बाद देखेंगे स्लाइम मोल्ट्स जो स्लाइम मोल्ट्स होते हैं तो स्लाइम मोल्ट्स वेयर इंक्लूडेड इन द सब डिवीजन माइक्सो माइकोटिना एंड द ट्रू फंजाई इन यू माइकोटीना जो स्लाइम मोल्टस है उसको कैसे इंक्लूड किया गया उसको सब डिविजन में तो माइक्सो माइकोटिना में और जो ट्रू फंजाई थे ठीक है सत्य फंजाई थे ट्रू फंजाई थे उसको यू माइकोटीना में जो है इंक्लूड इंक्लूडेड किया गया उसके बाद द क्लासिफिकेशन इज एज फ्लोज़ अब जो इनका क्लासिफिकेशन था कंसेंटाइन कंस्टेंटाइन जे एलेक्सो पॉल्स का तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वह क्या क्या फलोच करता है इसको देखिए तो डिवीजन माइकोटा ठीक है डिवीजन माइकोटा थैलस माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर और फिलामेंटस ठीक है थैलस माइक्रोस्कोपिक उसको देखा गया यूनिसेलुलर और फिलामेंटस इसको और नेक्स्ट जो है आपका न्यूक्लियस विद ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ठीक है इसको देखा गया और उसके बाद देखिए डिवीज़न माइकोटा में और सेल वाल जो है काइटिनस होता है सेल काइटिनस काइटिनस होता है या सेलुलोसिक होता है सेलुलोजिक होता है ठीक है रिप्रोडक्शन बाई एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह एसेक्सुअल होता है एंड सेक्सुअल होता है ठीक है तो डिवीजन ए माइकोटा का हो गया अब उसके बाद देखते हैं ए नंबर जो है आपका ए नंबर ए आपका है सब डिवीजन माइक्सो सब डिवीजन ए नंबर जो है सब डिवीजन माइक्सो माइकोटीना प्लांट बॉडी इन इन द फॉर्म ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट नोन एज प्लाज्मोडियम ठीक है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो सब डिवीजन है आपका माइक्सो का इसमें प्लांट बॉडी होता है ये नेकेड फॉर्म में होता है प्रोटोप्लास्ट ठीक है ये प्रोटोप्लास्ट होता है नॉन एज प्लाज्मोडियम इसको हम लोग प्लाज्मोडियम के तरफ भी जो है प्लाज्मोडियम जो है के रूप में जानते हैं ठीक है प्लाज्मोडियम के रूप में हम लोग जानते हैं उसके बाद देखेंगे लिखा गया है यहाँ पर दिया गया है क्लास वन नंबर करके क्लास माइक्सो ठीक है तो इसमें देखिए वेजिटेटिव फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सोलिटरी लार्ज ठीक है मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन बाय मिनट मल्टी न्यूक्लिएट कॉल्ड स्पोर्स तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कलर चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे जो वन नंबर क्लास है माइक्सोमाइक माइक्सोमाइसिटीज़ तो मैक्सोमाइसिटीज में क्या होता है तो वेजिटेटिव जो फेज होता है इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सोलिटरी लार्ज मल्टी न्यूक्लिएट ठीक है मल्टी न्यूक्लिएट नेकेड प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मोडियम ठीक है प्रोटोप्लास्ट नेकेड प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मोडियम रिप्रोडक्शन बाय मिनट मल्टी न्यूक्लिएट कॉल्ड एस्पोर्स और जो इसमें रिप्रोडक्शन बाई मीनट मल्टीन्यूक्लिएट होता है उसको एसपोर्स कहा जाता है अब बी नंबर देखेंगे आप लोग बी नंबर क्या है तो बी नंबर है सब डिवीजन यू माइकोटीना वेजिटेटिव फेज इज रिप्रेजेंटेड बाई सेलुलर और ब्रांचड ठीक है यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा क्या गया है सब डिवीजन यू माइकोटीना में वेजिटेटिव फेज इज रिप्रेजेंटेड बाई सेलुलर और ब्रांचड सीफोनेसियस ठीक है साइफोनोसियस साइफोनेसियस माइसेलियम अब उसके बाद देखेंगे आप लोग लिखा गया है सेल प्रोसेस डिस्टिंक्ट सेल वाल ठीक है हाइफ़ी फी आर ठीक है एसेप्टेड हाइफ़ी आर एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएट और सेप्टेड सेल्स आर यू एन आई बी आई और मल्टी न्यूक्लिएट ठीक है ठीक है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है यू एन आई और बी आई इसको आप लोग जानते हैं समझ गए होंगे चलिए सेल्स आर यू एन आई और बी आई ठीक है और मल्टी न्यूक्लिएट रिप्रोडक्शन बाई एस्पोर्स और गैमिट्स ठीक है अगर आपको कुछ समझने में परेशानी हो रही है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कमें करके जो है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से संबंधित तो तुरंत जो है रिप्लाई दिया जाएगा तो कमेंट करना आप लोग ना भूलें चलिए नेक्स्ट देखिए द सब डिवीज़न यू माइकोटिना वाज डिवाइडेड इनटू एट क्लासेज जो सब डिवीज़न यू माइकोटिना है इसको एट क्लासेज में जो है डिवाइड करने का काम किया गया है तो चलिए आइए यू माइकोटिना को जो है एट क्लासेज में जो डिवाइड किया गया है उसको अब हम लोग जानते हैं ठीक है तो देखिए फर्स्ट जो क्लास है आपका सो क्या है क्लास यहाँ पर देख सकते हैं आप तो फर्स्ट क्लास है आपका ये आपका है क्लास काइटरीडियो माइसिटीज क्या उन क्लास है तो क्लास काइटरीडियो 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 माइसिटीज है ठीक है इसमें अगर बात करें हम लोग इसमें हम लोग कलर चेंज कर लिए चलिए इसमें बात करें हम लोग क्लास काइटरीडियो माइसिटीज़ में तो मोटाइल सेल्स विद सोलिटरी पोस्टरियर वीफलेस फ्लैजिलम होता है इसमें जो भी फ्लाजिलम होता है तो व्पलेस होता है ठीक है और मोटाइल सेल्स होता है उसके साथ जो है विद सोलिटरी पोस्टीरियर होता है व्हीपलैस फ्लाजिलम ठीक है उसके बाद क्लास टू जो है आपका ये हाइपो काइटरीडियो माइसिटीज है ठीक है क्लास टू आपका हाइपो काइटरीडियो माइसिटीज है मोटाइल सेल्स विद सोलिटरी एंटेरियर टीसल फ्लैजिलम ठीक है इंक्लूड्स एक्वेटिक फंजाई तो क्लास हाइपोकाइटरिडियोमाइसिटी जो है इसमें मोटाइल सेल्स होता है उसके साथ भी सोलिटरी इंटीरियर टेंसल फ्लैजिलम होते हैं इंक्लूड्स एक्वेटिक फंजाई है अब आते हैं क्लास थ्री में तो जो हम लोग का क्लास थ्री है तो क्लास थ्री जो है ओ माइसिटीज है क्लास थ्री क्या है तो ओ माइसिटीज है ठीक है क्लास थ्री कलर चेंज कर लेते हैं क्लास थ्री जो है आपका ओ है और माई वेल डेवलप्ड जो आपका क्लास ओ माइसिटीज है थ्री नंबर क्लास ओ माइसिटीज इसमें माइसिलियम जो है वेल well डेवलप्ड होता है एंड मल्टी न्यूक्ट ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज मोटाइल सेल्स बाई फ्लाजिलेट वन फ्लैजिलम वी प्लस एंड द अदर टेंसिल टाइप फ्लैजिला आर अरेंज्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस ठीक है तो इसमें जो होता है क्लास थ्री जो ओ माइसिटीज है इसमें क्या होता है तो माइसिलियम वेल डेवलप्ड होता है एंड मल्टी न्यूक्ट होता है ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज होता है इसमें मोटाइल सेल्स और बाई फ्लैजिलेट ठीक है बाई फ्लैजिलेट वन फ्लैजिलम वी प्लस एंड द अदर टेंसेल टाइप का होता है टेंसेल टाइप का होता है फ्लैजिला आर अरेंज इन अपोजिट डायरेक्शन और फ्लैजिला जो होता है एक ऐसे अरेंज होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होता है एक इधर होगा तो एक इधर होगा ठीक है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है अरेंज होता है उसके बाद देखेंगे क्लास फोर जो है आपका यह है आपका क्लास फोर ठीक है तो क्लास फोर जो है आपका तो क्लास फोर को देखिए आप लोग तो आप लोग का क्लास फोर जो है आपका यह आपका है क्लास फोर और यहाँ पर जो दिया गया है क्लास फोर को देखिए क्लास प्लाजो डी ध्यान देंगे यहाँ पर कि क्लास प्लाज्मो डी है पैरासिटिक फंजाई होते हैं ठीक है सेल वाल लैकिंग मल्टीन्यूक्लियेट होता है थैलस रिमेंस इनसाइड द होस्ट टिश्यू मोटाइल सेल्स विद टू अनइक्वल एंटीरियर टेंसिल फ्लाइजिला होता है तो जो आपका क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज है क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज है तो क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में पैरासिटिक फंजाई है आपका पैरासिटिक है जो भी फंजाई होते हैं मोस्टली पैरासिटिक होते हैं तो पैरासिटिक फंजाई जो है सेल वाल इसमें लैकिंग मल्टी न्यूक्ट थैलस रिमेंस इनसाइड द होस्ट टिश्यू मोटाइल सेल्स विद टू अनइक्वल एंटीरियर टेंसेल फ्लाइजिला होता है अब देखें आप लोग क्लास फाइव को जो आपका क्लास फाइव है आपका जाइगो माइसिटीज़ है तो क्लास फाइव फाइव क्लास जो है जाइगो माइसिटीज़ है फाइव नंबर में क्लास जो है जाइगो माइसिटीज़ है तो जो जाइगो माइसिटीज होता है तो पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक फंजाई मतलब पैरासिटिक होगा या सेप्रोफाइटिक फंजाई होगा माइसिलियम वेल well डेवलप्ड होता है इसमें ठीक है एंड मल्टी न्यूक्लिएट होता है मोटाइल स्ट्रक्चरस ऑबसेंट होता है और इसमें क्या होता है तो इस इस फंजाई में जो है मोटाइल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है ऑबसेंट होता है मोटाइल स्ट्रक्चर जो है आपका ऑबसेंट होता है ठीक है अब उसके बाद बात करें हम लोग इसकी और आगे की बात करें तो जो एक, एक क्लास सिक्स है अब इसकी चर्चा करें हम लोग जाइगोमाइसिटीज़ को तो जान गए कि पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक बन जाए माइसिलियम वेल डेवलप्ड होता है एंड मल्टी होता है मोटाइल स्ट्रक्चर्स अपसेंट होते हैं क्लास सिक्स जो है आपका है तो सिक्स नंबर क्लास है ट्राइकोमाइसिटीज थैलस सिंपल और ब्रांच्ड होता है एंड मल्टी न्यूक्लिएट ऑफ एंड आपका एंथ्रोपोड तो क्लास सिक्स देखिए इसको ट्राइकोमाइसिटीज है क्लास तो सिक्स ट्राइकोमाइसिटीज जो है या इसका थैलस एकदम सिंपल होता है इसका जो सुकाय होता है थैलस कहीं क्या होता है सुकाय तो सुकाय एकदम सिंपल होता है या ब्रांचड भी होता है या ब्रांचड भी होता है ऐसे कुछ ब्रांचड भी होगा आपका ये ठीक है ब्रांचड भी होगा एंड मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है ऑफटेन पैरासिटिक ऑन एंथ्रोपोडस ये आपका पैरासिटिक होगा एंड एंथ्रोपोडस भी होगा ठीक है चलिए अब क्लास सेवन को देखते हैं तो क्लास सेवन जो है आपका एक क्लास एस्को माइसिटीज़ है तो क्लास एसको माइसिटीज सेवन नंबर में है हाइफ़ी सेप्टेट होता है इसमें जो हाइफ़ी हाइफ़ी होता है वो आपका सेप्टेट होता है ठीक है जो भी इसमें हाई होता है वो आपका क्या होगा तो सेप्टेट होगा सेप्टेट होगा हाई क्या होता है तो सेप्टेट होता है ठीक है किसमें तो क्लास एस्कोमाई में क्लास एस्कोमाई में जो है हाइफे सेप्टेड होता है और एस्को प्रोड्यूस्ड co, होता है इसमें ठीक है इंडोजेनसली इन स्पेशलाइज्ड एस्परोंजियम नो नैज एस्कस अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि कह रहा है कि इंडोजेनसली इन स्पेशलाइज्ड हम लोग क्या पढ़ रहे है? तो हैं तो क्लास एस्कोमाइसिटीज को जान रहे हैं तो हाइफी सेप्टेड होता है एस्को प्रोड्यूस्ड होता है और इंडोजेनसली इन स्पेशलाइज एस्परजियम होता है नॉन एज एस्कस उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग एस्कस कहते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग इसमें अब क्लास एट तक पहुंच चुके हैं बताते चले कि हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो आपके एलेक्सो पॉल्स साहब हैं तो एलेक्सो पॉल्स साहब के द्वारा जो है सबसे ऊपर आते हैं तो यही एलेक्सो पॉल्स साहब के द्वारा जो आप ये फिगर देख रहे हैं आप एलोक्सो पॉल्स साहब हैं तो एलोक्सो पॉल्स साहब के द्वारा जो है एलोक्सो पॉल्स साहब के द्वारा कैसे जो है अलगी का क्लासिफिकेशन किया गया है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो चलिए है हम लोग अब सीधे पहुँचते हैं यहाँ पर सेवन नंबर क्लास में इसको सिटीज़ में तो इसको हम लोगों ने जान लिया कि हाई फेसेप्टिट होता है इसको एसपुर इस जो है इसमें आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं और इंडोजेनसिन एस्पलाइड एस्प्रोजियम नोन एज उसको एस्कस कहा जाता है क्या कहा है एक बार और हम बता दे रहे हैं एस्कस कहा जाता है ठीक है अब उसके बाद चलिए क्लास एट क्लास बेसिडियोमाइसिटीज तो जो आपका क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ है तो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज जो है इसमें क्या होता है तो हाइफे जो है सेपरेट होता है और बेसिडियोमाइसिटीज़ एक्सोजेनसली ऑन बेसिडियम होते हैं ठीक है तो बेसिडियोमाइसिटीज की अगर चर्चा करें हम लोग तो क्लास बेसिडियो माइसिटीज जो एट नंबर क्लास है लास्ट क्लास है एलेक्सोपोल्स साहब जो दिए थे उसके अनुसार तो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज जो है हाईफे इसमें सेपटेट होता है क्या होता है तो हाइफे इसमें सेपटेट होता है किस में सेपटेट होता है तो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज एक्सोजेनसली ऑन बेसिडियम होते हैं जो आपका बेसिडियोम आइसिटीज होता है एक्सोजेनसली ऑन बेसिडियम होते हैं ठीक है अब उसके बाद देखेंगे आप लोग कि फ्रॉम क्लास ड्यूटिडियो माइसिटीज हाइफे सेप्टेड ओनली बाई सेक्सुअल स्पोर्स सेक्सुअल फेज लैकिंग होते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग जान गए कि इसमें फॉर्म क्लास ड्यूट आइसिटीज हाइफे सेप्टेड रिपोर्ट ओनली बाई सेक्सुअल स्पोर्स सेक्सुअल फेज लैकिंग चलिए धन्यवाद